काफी लंबे समय से दीपिका कक्कड़ ने टीवी इंडस्ट्री से एक लंबा ब्रेक लिया हुआ है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें अभी तक अपने काम को लेकर जिस तरह से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला और इसीलिए वो एनकरेज कुछ खास महसूस नहीं करती। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली दीपिका की इतने सालों की मेहनत को किया जा रहा है इंडस्ट्री द्वारा एप्रिशिएट और मिलने वाला है दीपिका को एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टफुल अवार्ड। जी हाँ, क्या है पूरी सच्चाई बताएंगे आपको इस अवार्ड से जुड़े सभी डिटेल्स हमारे आज के इस वीडियो में। वेल हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों दीपिका कक्कड़ भले ही इंडस्ट्री से दूर हो लेकिन अपने फैंस के साथ वो कनेक्टेड रहती है और दीपिका कक्कड़ ने टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े शोज करके अपना नाम कमाया है। अपनी मेहनत से वो आज जिस मुकाम पर है उसका जो श्रेय है उन्हें जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कलर्स टीवी के सीरियल ससुराल सिमर का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद झलक दिखला जा नच बलिए, साथ ही साथ बिग बॉस की विजेता रह चुकी है और स्टार प्लस में कहां हम कहां तुम जैसा बहुत बड़ा हिट शो भी दे चुकी है। बावजूद इसके दीपिका कक्कड़ को कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने शोएब से शादी करने के बाद इंडस्ट्री में वापस कदम रखने के बारे में कोई भी ख्याल अपने कभी भी जाहिर नहीं किए। वो बहुत खुश रहती है शोएब का ध्यान रखने में। लेकिन आपको बता दें कि इंडस्ट्री फाइनली अप्रिशिएट कर रही है दीपिका के जितने भी एफर्ट्स थे उन सबको, साथ ही साथ शोएब को भी, और मिलने वाला है दोनों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जो इस अवार्ड की जूरी है उन्होंने स्टैंप लगा दिया है इन दोनों के नाम पर। हो सकता है कि ये अवार्ड पाने के बाद दीपिका कक्कड़ थोड़ा सा एंकरेज महसूस करें और वापस से छोटे पर्दे पर धमाकेदार सीरियल्स करती हुई नजर आएं। आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।